इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि रूट्स एस्टैब्लिशमेंट फेडरेशन फेडरलिज्म, तो अब आगे हमें पढ़ना व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को ऐसी कौन सी चीज है जो एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, ठीक है, एंड इंडिया ब्लडी पार्टीशन, इंडिया ने एक ब्लडी पार्टीशन देखा, फाइनली इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, और फाइनली साथ साथ में इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन बनने के साथ साथ इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री भी बनी। क्यों? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर आप याद होगा फोक्स कि इंडिया जो है वो 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थी, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जहां पे हम कह सकते हैं किंग्स रूल करते थे। बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स हुई। कैसे यूनाइटेड स्टेट्स हुई, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, ठीक है, बट वो अभी यहां पे डिस्कस हम नहीं करते, वो आगे के लेक्चर्स में कभी कर सकते हैं डिस्कस। बट इसके बाद क्या हुआ, फाइनली इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, वो हमें पता है, हमने पढ़ा है किस तरह से अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, कैसे किया गया, कि उसमें कौन से मेंबर्स थे और कौन सी असेंबली थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। खैर वो बात भी हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ सकते हैं या हमने पढ़ा भी है 9th क्लास में। सो इसके बाद अगर अब आगे हमें देखना है कि इंडिया जब एक यूनाइटेड कंट्री बनी, यूनाइटेड कंट्री बनने के साथ साथ एक इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री भी 1950s में बनी जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिक्लेयर एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक फेडरल कंट्री नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया। बट यूनियन स्टेट्स जो हैं, यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, ये याद रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इंडियन यूनियन जो है इसकी बेस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पे ही है, यानी कि जो फेडरलिज्म है जहां पे हम कह सकते हैं देयर आर डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री एंड यू नो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री एंड डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट यू नो। तो ये सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ा है। तो इसके बाद हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, फेडरलिज्म में हमारे पास जनरली हमारे पास थ्री टायर गवर्नमेंट होती है। तो थ्री टायर गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है फेडरलिज्म में, इंडियन फेडरलिज्म में, पहली होती है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ हमारे पास होती है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, पंचायत या म्यूनिसिपलिटीज हमारे पास होती है। तो यही टॉपिक कंटिन्यूसली पढ़ते पढ़ते हम आगे इसमें बढ़ेंगे कि पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पावर्स जो हैं इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कैसे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीजें इस तरह से पावर को ड्राइव किया जाता है, क्योंकि मैंने पहले आपको की फीचर्स में पढ़ा था कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ सोर्सेज ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे अगर बात करेंगे पावर्स की, तो उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट जो है इसमें क्या होता है कि हम कह सकते हैं इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स deals with national importance। सिंपल याद रखना है कि यूनियन लिस्ट जो है इंक्लूड सब्जेक्ट्स, ठीक है, deals with the national importance। सो ये यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये इंटरेस्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सारे के सारे जो पावर्स हैं कंट्रोल करती है, यानी कि ऑल पावर्स ऑफ यूनियन लिस्ट आर कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, नियर अबाउट 106 आइटम्स आर देयर। तो विच आइटम, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे उनके बारे में, नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं, डील विद द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री, जो इन यूनियन लिस्ट की बात हम करते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं फाइनेंस, एग्जाम्पल में हम देखते हैं डिफेंस,
एग्जाम्पल में हम देखते हैं ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल में हम देखते हैं बैंकिंग देखते हैं, करेंसी देखते हैं, एग्जाम्पल में हम फॉरेन अफेयर्स देखते हैं। तो ये सारी की सारी जो नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ये डील करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पावर्स हैं जो स्पेसिफाई किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद हमारे पास है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट सिंपल इसी तरह से इंक्लूड्स दोस सब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द स्टेट। तो वो कौन कौन से हैं? देयर आर 66 आइटम्स, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से होते हैं? इरिगेशन, इरिगेशन जो है ये आते हैं इसमें। एग्रीकल्चर जो है ये आता है इसमें, जो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, पावर्स जो इनके पास होते हैं। पुलिस जो है इट्स कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें जो है स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो रिलेटेड दो सब्जेक्ट विच आर स्टेट इंपॉर्टेंस। और इसके साथ हमारे पास है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है याद रखना पड़ेगा कि रिलेटेड दो सब्जेक्ट्स विच आर इंटरेस्ट ऑन, विच आर कॉमन इंटरेस्ट ऑन बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इट इज कंट्रोल्ड बाय द बोथ गवर्नमेंट। बट रिमेंबर वन थिंग इन कॉन्करेंट लिस्ट, इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन कॉन्करेंट लिस्ट देन देयर इज ए मोर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। यू हैव टू रिमेंबर इट कॉन्करेंट लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीजें आती है? फॉरेस्ट आता है, एजुकेशन आती है, एडॉप्टेशन आता है, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो इस कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, और साथ साथ में आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं किस तरह से। इवन अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। साथ साथ में आप और भी हमारे जो लेक्चर्स हैं अगर देखना चाहते हो, कोई चैप्टर और भी देखना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।